माई अचीवेंट्स आई गॉट अ सेवन ईयर्स एक्सपीरियंस इन टी जी टी हिंदी एंड आई बिकम एच ओ डी एंड अकेडमिक हेड ऑफ दैट स्कूल माई हॉबीज आर रीडिंग ऑफ हिस्टोरिकल बुक्स एंड टीचिंग एंड वॉचिंग बायोग्राफिकल मूवीज आप श्योर से श्योर से प्लीज थैंक यू सर यू मे टिकट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू फाइन गुड एम ऑल्सो फाइन व डेट टूडे फोर अप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड वट्स आवर सब्जेक्ट विषय क्या है हमारा हिंदी आज हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बताएंगे आपको आज हम पढ़ेंगे अच्छा एक बार बताइए जब हम एक दूसरे से बात करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं क्या होता है वो चीज़ें जब हम अपनी बात अपनी बातें रखते हैं एक दूसरे को तो क्या होता है वो क्या वो शब्द होते हैं क्या वो वाक्य होते हैं क्या वो अक्षर होते हैं क्या होते हैं राइट वाक्य right. होते हैं तो आज का हमारा प्रकरण है वाक्य क्या है वाक्य वाक्य क्या होता है इसके बारे में आपको समझाऊंगी ठीक है उसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे वाक्य जैसे कि मैंने अभी कहा हम एक दूसरे से बात करते हैं उसको कहा जाता है वाक्य यानी कि अपने मन के भावों को सामने वाले को समझाना दूसरे को समझाना वो कहलाता है वाक्य यानी कि अपने मन के भावों को अपने मन के भावों को दूसरों को समझाना वही कहलाता है वाक्य वाक्य किस, किस से बनता है सही सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य क्या जाता है ये तो एक परिभाषा होगी ये आपको आई थिंक याद भी हो गई होगी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं ठीक है अभी हम सीधे पहुंचते हैं वाक्य के, के खंड पर क्या पढ़ने वाले हम वाक्य के, के खंड यानी कि वाक्य के, के अंग अंग भी कह सकते हैं खंड भी कह सकते हैं ठीक खंड भी कहिए या अंग कहिए दोनों ही एक ही हैं वाक्य के खंड लेकिन भेद नहीं कह सकते हैं खंड और भेद में अंतर है खंड क्या होता है यानी कि अंग क्या होता है ये मेरी बॉडी है ये मेरे अंग हैं यानी कि उसी में से निकले हुए पार्ट भेद क्या होता है मेरा ही दूसरा कोई रूप यानी कि मुझसे अलग हो जाए कोई चीज़ अंग मुझसे जुड़े हुए हैं और भेद क्या होता है जो मुझसे अलग हो जाए वो कहलाते हैं भेद इसका विशेष ध्यान रखना क्योंकि बाकी के हम दूसरे रूप दूसरे पार्ट में हम इसी को पढ़ेंगे बाकी के भेद को आज हम सिर्फ बाकी के खंड या अंग पढ़ेंगे तो बाकी के खंड या अंग कितने होते हैं दो प्रकार के कि. कितने प्रकार के कि? दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं पहला आता है आपका उद्देश्य दूसरा आता है विधेय विधेय। उद्देश्य एंड विधेय उद्देश कौन कौन से होते हैं रिपीट कीजिए उद्देश्य एंड विधेय। उद्देश्य विधि अब इसको बताती हैं जैसे कि कोई भी वाक्य है मान लीजिए वाक्य दिया है वह खेलता है वह खेलता है है अब वाक्य दिया हुआ ठीक है ठीके? अब हमें इसमें से इसकी खंड करनी है यानी कि इसके अंग निकालने तो क्या हो जाएगा उद्देश्य वो होती है जिसके बारे में बात की जा रही है या जो कार्य कर रहा है फिर से बोल रही हूं जो कार्य करे या जिसके बारे में बात हो वो कहलाता है उद्देश्य ठीक है जिसके बारे में कार्य हो या बात हो वो कहलाता है उद्देश्य और विधेय क्या कहता है जिसकी जो बात की जा रही है जो बात हो जो बात की जाए या कार्य किया जाए आर यू विजिबल कार्य किया जाए उसे विधेय कहते हैं फिर से मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ उद्देश्य किसे कहती हैं? जिसके बारे में जो कार्य करे या जिसके बारे में जो बात करे, वो कहलाता है उद्देश्य और जो बात की जा रही है या जो बात जो कार्य किया जा रहा है वो विधेय कहलाता है ठीक है अब ये बताइए ये मैंने लाइन लिखी है वह खेलता है तो इसमें काम कौन कर रहा है वह तो वह क्या हो गया हमारा उद्देश्य वह क्या हो गया उद्देश्य ठीक है और काम क्या हो रहा है खेलने का तो खेलना क्या हो गया हमारा विधेय क्या हो गया विधेय समझ आ गया एक नहीं है एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह से